हेलो गाइस, आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आपके लिए जो फेस सीरम लेके आई हूँ ना वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें जो भी चीजें मैंने इस्तेमाल की है ना वो सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते हैं ना वो रेकमेंड करते हैं आपके फेस पर अप्लाई करने के लिए। तो ट्रस्ट मी गाइज, ये जो सीरम है ना आप एक बार लगा के देखिए, आपको एक हफ्ते के अंदर आपके फेस पर जो ग्लो आएगा, जो आपकी स्किन टाइट होने लगेगी ना, पुरानी झाइयाँ कितनी भी पुरानी झाइयाँ होंगी ना वो भी सारी हटने लगेंगी धीरे धीरे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि सीरम कैसे बनाना है। और तो सबसे पहले मैंने इसमें स्वीट आलमंड ऑयल लिया है। मैंने इसमें आपको दिखाया है कि ये मेरी जो शीशी थी ना वो 50 ml की है, लेकिन ये हाफ मैंने यूज़ कर लिया है तो 25 ml बचा हुआ है। तो आपको 25 ml के आसपास स्वीट आलमंड ऑयल लेना है। उसके बाद मैंने ऑरेंज कैरेट आती है ना वो ली है, छोटा सा टुकड़ा लिया था, कैरेट कद्दूकस करके लिया है एक चम्मच के आसपास, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं उतना मैंने इसमें लिया है। और उसके बाद में मैंने इसको गैस में 5-7 मिनट के लिए धीमी आँच पर पकाया है। तब तक के लिए पकाया है, कैरेट हमने इस्तेमाल किया ना वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, चलाते हुए पकाना है। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो जो कैरेट होती है ना वो चिपक जाती है नीचे। 5-7 मिनट जब पक जाएगा उसके बाद में कैरेट है ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद में देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, जो हमारा स्वीट आलमंड ऑयल है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने के बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, इस ऑयल के जो गुण है ना वो 100 गुना बढ़ा देंगे। छानने के बाद में ये जो कैरेट हमारा बचा है इसको आप थ्रो नहीं कीजिएगा। इससे हम स्क्रब तैयार करेंगे जो कि हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा अमेजिंग हुआ करेगा। तो चलिए नेक्स्ट हमें इसमें इंग्रेडिएंट डालना है ग्लिसरीन। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो भी रेकमेंड करते हैं कि आप अपने फेस पर ग्लिसरीन का एप्लीकेशन कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छा होता है आपके फेस के लिए। उसके बाद मैंने 1/2 स्पून के आसपास कैस्टर ऑयल लिया है, ब्लैक कैस्टर ऑयल है, आप वाइट कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपको 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं। गाइस इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, सभी जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी इंटरनल बॉडी के लिए भी, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद में कुछ ऐसा कोई कंटेनर आप देख लीजिए जिसमें आप इसको स्टोर करके रख पाएं। पानी नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं तो ये खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में ये हमारा सीरम रेडी है। इसकी एप्लीकेशन मैं आपको आगे बताती हूँ क्योंकि इसका एक तरीका है एप्लीकेशन करने का, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद में जो हमारा ये बचा था कैरेट, उसमें ऑलरेडी ऑयल है इसलिए हम कुछ और नहीं मिलाएंगे, लेकिन इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे। उसके बाद में 1 चम्मच के आसपास पानी ऐड करना है जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा। उसके बाद हमें इसमें डालना है 1/2 लेमन। लेमन आपके जो पुरानी झाइयाँ हो जाती है ना उनको हटाने में हेल्प करता है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और किसी एक कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। लेकिन जब भी आपको एप्लीकेशन करनी है उस टाइम में आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है ताकि आप इसका स्क्रब अच्छे से कर पाएँ अपने फेस पर। ये स्टोरेज के लिए है, लंबे समय तक स्टोर कर पाएँ, इसलिए हम इसको ऐसे ही स्टोर करेंगे। जब आपको एप्लीकेशन करनी है उसमें से थोड़ा सा 1/2 चम्मच के आसपास आप इसमें से स्क्रब ले लीजिए। उसमें आपको डालना है 2 चम्मच के आसपास दही, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में इसका एप्लीकेशन करना है। लेकिन एप्लीकेशन करने का समय जो होता है ना वो आप इस स्क्रब को आप नाइट में अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपको। स्क्रब को आपको हफ्ते में एक बार ही करना है सिर्फ, ठीक है, हफ्ते में एक बार करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। नाइट में आपको स्क्रब करना है। इसके बाद जिस तरह से मैं एप्लीकेशन आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद में आपको इसको ड्राई अप होने के लिए छोड़ दीजिए 5-7 मिनट बाद में। आप सर्कुलर मोशन में जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं आपको उसी तरह से स्क्रब करना है, जहाँ जहाँ आपके डार्कन एरियाज है माउथ के आसपास या नोज़ के आसपास, उस तरह से आपको मसाज देनी है अपने फेस पर। उसके बाद में आप पानी से, नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद में देखिए इसमें ऑलरेडी ऑयल था, उस वजह से आपको इस सीरम की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जिस दिन स्क्रब नहीं कर रहे हैं उस दिन सीरम आपको यूज करना है। इसको आप मॉर्निंग में लगा सकते हैं, इवनिंग में लगा सकते हैं, नाइट में लगा सकते हैं। नाइट में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि आपकी जो स्किन होती है वो नाइट में अच्छे से रिपेयर होती है। तो आप इस सीरम को नाइट में लगाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रब और सीरम सेम डे नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें ऑयल ऑलरेडी है। फेस है ना वो इतना फ्लॉलेस लगेगा, इतना चमकने लगेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके फेस से झाइयाँ हैं जो वो गायब होने लगी हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।